भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी बच्चा खरीद बिक्री की घटना सामने आई है। नवजात को खरीदने आए तीन लोगों को अस्पताल में तैनात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि कुंदन मंडल की पत्नी निशा कुमारी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्त्री विभाग में पुत्री का जन्म दिया था। अचानक निशा स्त्री विभाग के वार्ड से भागते हुए इमरजेंसी कंट्रोल रूम पहुंची। यहां आकर उसने अस्पताल कर्मियों को बताया कि उसकी बेटी को कोई लेकर भाग रहा है। इस सूचना के बाद अस्पताल के कर्मी एवं सुरक्षा गार्ड सक्रिय हो गए। तभी अस्पताल के गेट पर तैनात गार्ड की नजर नवजात को ले जा रहे युवक पर पड़ी। उसके बाद तैनात गार्ड ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और नवजात को कब्जे में लेकर निशा को दे दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पहले भी बच्चा चोरी की घटना सामने आई थी। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त भोलेनाथ को जलार्पण करने रोजाना सुल्तानगंज से पैदल देवघर जा रहे हैं। इन सब के बीच बिहार शरीफ के रहने वाले अनमोल एक पैर से सुल्तानगंज से देवघर की 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। हादसे में अपना एक पैर खोने के बाद भी अनमोल ने अपना हौसला नहीं खोया। कच्ची कांवरिया पथ पर अन्य श्रद्धालुओं के साथ अनमोल कदम से कदम मिलाकर देवघर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। आप भी देखिए भगवान भोलेनाथ के इस अनोखे भक्त को। मांगने जा रहे हैं भोलेनाथ के दर पे। पूरा कहे हैं बाबा भोले के मांगे हैं। क्या मांगिएगा? जो मांग रहे थे तो पूरा कर दिए। भक्त किए थे, भक्त उनकर है, जा रहे हैं बुलाए। अच्छा, क्या मांगे थे जो पूरा कर दिए भोलेनाथ? बाल बाल बार्स बचा दिए थे हमारे। हाँ। पूरा किए बाबा भोले, उनको हम पूरा आधार करने जा रहे हैं। तो दिक्कत नहीं हो रही है? एक पैर से आप चल रहे हैं? भोले की कोई तो वस्तु नहीं है। बाबा कृपा कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से आए। बिहार शरीफ से नूरसराय। पहली दफा जा रहे हैं या इससे पहले? पहली दफा जा रहे हैं। सावन के महीने में श्रद्धालु सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं। लेकिन झारखंड कोडरमा की रहने वाली कुसुम अब तक 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर सुल्तानगंज पहुंची है और यहां से गंगा जल भर कर पैदल देवघर जा रही है। कुसुम अपने साथ कान्हा जी को भी लेकर चल रही है। कुसुम श्याम की दीवानी है लेकिन भोलेनाथ पर भी अटूट श्रद्धा है। कुसुम का कहना है कि भगवान भोलेनाथ और कान्हा जी दोनों अच्छे मित्र हैं, इसलिए कान्हा जी को भोलेनाथ से मिलाने के लिए देवघर जा रही हूँ। तो से प्लस किलोमीटर कावर लेके चल चुके हैं और हम झरना कुंड झुमरी तिलैया से देवघर तक आए और देवघर से फिर वासुकीनाथ पर जल चढ़ाए। उसके बाद पुनः हम सुल्तानगंज से अभी यात्रा करने निकले। पैदल यात्रा। और साथ में कौन है? ये हमारे मनमोहन, इनका नाम है लड्डू गोपाल भी बोलिए, गिरधर गोपाल भी बोलिए, इनका कई नाम। आखिर क्या कारण है बाल गोपाल को भी साथ लेकर चल रही हैं? लोगों को भक्ति के प्रति एक मैसेज देना है, लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ गौ माता के लिए हम संकल्प लिए थे। ये सड़क पे दुर्घटना होती है, उसके लिए हम अयोध्या पैदल यात्रा गए थे कि गाय के लिए एम्बुलेंस दिया जाए। जिस प्रकार हमारे लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए 108 नंबर डायल कीजिए तो निःशुल्क सेवा होती है एम्बुलेंस की, उसी प्रकार हम सरकार से मांग किए थे कि गाय के लिए भी ऐसा होना चाहिए सुविधा। चलिए, तो क्या बोलिएगा कान्हा जी को जब भगवान भोलेनाथ से मिलवाइएगा? तो ये दोनों आपस में तो बड़े प्रिय मित्र हैं, इन दोनों का क्या बातचीत होगा ये दोनों ही जानेंगे। आप सिर्फ मुलाकात करवा, बस हम एक जरिया बन रहे हैं ठाकुर जी को बाबा भोलेनाथ से मिलवाने का। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी की अध्यक्षता में 15 अगस्त को लेकर जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने 15 अगस्त से पूर्व भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में आकर्षक झांकी निकाली जाएगी और जिले के सभी स्कूलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ताकि जो बच्चे हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके। बैठक में नौगछिया कहलगांव सहित प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। आप अवगत हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और झंडोत्तोलन की संपूर्ण तैयारियां हम लोग अभी कर रहे हैं।
इसी के संबंध में अभी विचार विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे समस्त पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ के विभिन्न समितियों के भी सदस्यगण थे, जैसे नागरिक विकास समिति है और अन्य कई समितियों के सदस्य थे। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और सभी लोगों को मैंने निर्देश भी दिया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व को हम लोग सेलिब्रेट करें। विशेष में इस बार हम लोग एक तो जो प्रभात फेरी है इस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, दूसरा बच्चों को स्कूल में कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में डिबेट कंपटीशन हो और बच्चे सभी के बारे में जाने, तो हम लोग इसको विशेष रखेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शाम को रखेंगे। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने भागलपुर जंक्शन का दौरा किया। दौरे के दौरान महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे ने यात्री सुविधाओं, OSOP स्टॉल, रनिंग रूम, कोचिंग सुविधाओं, भागलपुर बाईपास लाइन और भागलपुर में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने विभिन्न यात्री संघों के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। महाप्रबंधक देउस्कर ने जमालपुर भागलपुर खंड में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पूर्व मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी, मालदा मंडल की शाखा अधिकारी महाप्रबंधक के साथ थे। भागलपुर के जो थर्ड और फोर्थ लाइन का अभी सर्वे सेंक्शन हुआ है, उस काम के साथ भागलपुर में हम नए कोचिंग डिपो का भी प्लानिंग करेंगे, जिससे हम और ज्यादा भागलपुर से शुरू करेंगे। इसको तो हम इंटरनल मैटर है, जो भी है चेकिंग का हम जो शेड्यूल है इसको फॉलो करेंगे। अब वंदे भारत का क्या हो रहा है सर, भागलपुर से चलने का? नहीं, यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप नहीं है वंदे भारत के लिए। अच्छा, जब फैसिलिटी डेवलप होगी उसके बाद में एक ट्रेन का सर विस्तारीकरण करना था लखनऊ बरौनी भागलपुर, ठीक है, भागलपुर का उस ट्रेन का प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा गया था, विजिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ हो गया था, कुछ यहाँ रिपोर्ट कर दिया गया, मगर उसमें अभी तक कहाँ मामला कहाँ फंसा हुआ है। प्रपोजल है नहीं, यात्रियों से जो अवैध वसूली हो रही है, 5 रुपए की चाय 10 रुपए में मिल रही है ट्रेनों में, भागलपुर की और जो हावड़ा से चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी इसमें शामिल है, कोई कार्रवाई नहीं होती। 5 रुपए की अवैध वसूली मिली, कम से कम 30 लाख यात्री तो होंगे। ऐसा कोई अवैध वसूली का हमारे पास में शिकायत आई नहीं है, पर फिर भी अगर आएगी तो हम जो भी IRCTC है उनको हम जी सब जोड़ा किए, क्या क्या देखे कुछ बताइए। अभी हम लोग शुरू किया जमालपुर ने देखा, जमालपुर में अमृत भारत स्टेशन का काम अच्छे से चल रहा है और रेलवे की सेफ्टी जो कैब की सेफ्टी है उसका भी निरीक्षण चल रहा है, साथ साथ हमारे ओएचई का भी निरीक्षण और जो हमारे ट्रैक के जो बैंक रिलेटेड काम है उनका भी ध्यान दिया जा रहा है। सर सुल्तानगंज उतरे थे, सुल्तानगंज भी रुके, क्या देखे वहाँ, क्या वहाँ पर भी जो पेडियम लोगों के लिए जो फैसिलिटीज क्रिएट हुई है इस समय सेटिस्फाइड है। और भागलपुर के लोहिया पुल पर भारतीय स्टेट बैंक की सौजन्य से यात्री शेड भागलपुर पुलिस को सौंपा गया। उद्घाटन भागलपुर के DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार, यातायात DSP आशीष कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत भाकर ने फीता काट कर किया। मौके पर भागलपुर DIG विवेकानंद ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक का यह सराहनीय प्रयास है और उनके द्वारा भागलपुर जिले में अभी तक 2 ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया गया है। वहीं स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत ने कहा, अभी तक हम लोगों के बैंक ने 2 ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया है, आगे भी जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी करने में परेशानी नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत SBI भागलपुर द्वारा ट्रैफिक पुलिस के ये 2 केबिन जो है वह उपलब्ध कराया गया है और यह सौर ऊर्जा से सभी संचालित रहेगी और इससे ट्रैफिक नियंत्रण में प्रभावी इसका इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारे जवान यहाँ पे 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, बारिश हो, धूप हो, कि ठंड हो, उनको एक जगह भी मिलेगी। का इनॉग्रेशन पहले ही घंटाघर चौक के समीप हो चुका है, दूसरा आज यहाँ पर हुआ है। स्टेट बैंक सदैव जो अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में आगे रहती है और जहाँ कभी भी मौका मिला है हम लोगों ने सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्य का निष्पादन किया है।
कोचिंग एवं लॉज संचालक को छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेश सहमंत्री हैप्पी आनंद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित राज, नगर मंत्री गौतम साहू शामिल थे। उन लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार से दिल्ली की घटना घटित हुई वो दुखद है। ऐसी घटना भागलपुर में घटित न हो, इस चिंता को लेकर आज जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखा है। घटना घटी है, ये घटना काफी दुखद और काफी अंदर से विचलित करती है। तो भागलपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, आसपास के कई जिले के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जो अपनी मानक को पूरा किए बिना अपना कोचिंग चला रहे हैं। वहाँ पे ना तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था है, और कई ऐसे कोचिंग संस्थान जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनमें भीड़ की काफ़ी ज़्यादा स्थिति देखने को मिलती है। कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और जब वो निकलते हैं तो काफ़ी गैदरिंग होता है, जिस कारण से अगल बगल के जो सड़क होते हैं वो जाम हो जाते हैं और लोग भी वहाँ पर परेशान रहते हैं। आगे कोई अप्रिय ऐसी कोई घटना ना घटे हमारे भागलपुर में, तो इसको लेकर के हम लोग डीएम साहब से एक आग्रह किए हैं कि जो भी मानक बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया है उस मानक को जो कोचिंग पूरा करती है, जो कोचिंग पूरा नहीं कर रही है उस पर कार्रवाई करते हुए उचित दिशा निर्देश प्रदान करें। दूसरा एक और चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएँ। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।